आदेशक गृह रक्षा 10वीं वाहिनी हमीरपुर सुशील कुमार कौंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे व आतिशबाजी चलाने से आग की घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए आग की घटनाओं से बचने और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए दमकल विभाग ने दमकल केंद्र में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो कि 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 24 घंटे काम करेगा। आदेशक गृह रक्षा 10वीं वाहिनी हमीरपुर सुशील कुमार कौंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे व आतिशबाजी चलाने से आग की घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके मद्देनजर रखते हुए आग की घटनाओं से बचने और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए दमकल केंद्र चौकियों में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो कि 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 24 घंटे काम करेगा। उन्होंने बताया कि अक्सर देखने में आया है कि दमकल केंद्र हमीरपुर में स्थापित दूरभाष नंबर पर गलत कॉल की जाती है, जिससे दूरभाष नंबर व्यस्त रहता है और आपातकालीन घटनाओं की जानकारी समय पर नहीं मिलने से जान माल का नुकसान ज्यादा हो जाता है। उन्होंने जिला हमीरपुर के आम जनमानस से आग्रह किया है कि दमकल केंद्र चौकियों में अनुचित कॉल ना करें और दमकल विभाग को सहयोग करें, ताकि समय रहते जान माल वन संपदा निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके।